फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम ये देखो गाइस, मैंने इसकी न्यू बैलेंस के बैट की अनबॉक्सिंग करी थी। तो गाइस आज हम इससे बैटिंग ड्रिल्स करने वाले हैं। गाइस तो यार हम इससे आज बैटिंग ड्रिल्स करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नए बैट से ज़्यादा स्ट्रोक वोक नहीं बनानी है। वो गाइस मतलब स्ट्रोक्स बना मतलब जब अंडर आर्म बॉलिंग करने के बाद ही आपको अच्छे से आप खेल सकते हो। तो गाइस भी मैंने इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करी है, ये बैट की थोड़ी स्ट्रोक्स बन गई हैं। तो गाइस अब हम इससे अच्छे से खेल सकते हैं। और गाइस सॉरी, मैं आपको विदाउट बॉल खेल के दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे कोई बॉल डालने वाला नहीं है। तो गाइस आज हम बैटिंग ड्रिल्स करेंगे। गाइस जैसा आपको पता ही होगा, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, डिफेंस, वो सब आज मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो गाइस आपने अपना स्टांस लिया प्रॉपर जैसा आप लेते हो गाइस, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीछे वाले पैर के थोड़ा पीछे बैट होना चाहिए। तो गाइस ऐसे हमने स्टांस लिया। तो गाइस ये इधर शॉर्ट कवर ड्राइव होती है गाइस, कि जब बॉल इधर आ रही हो और आप अच्छे से आपको ड्राइव करना हो, तेज़ मारनी हो, तो आप ऐसे मार सकते हो गाइस। अगर आप पैड ऐसे पूरा पीछे तक लेके जाओगे तो गाइस शॉट बड़ा और ज़्यादा पावर जनरेट होगी शॉट में। तो गाइस फिर से दिखाता हूँ कवर ड्राइव देखो गाइस। तो यार गाइस हम कवर ड्राइव तो हमने कर ली, तो गाइस अब हम स्ट्रेट ड्राइव करने वाले हैं। गाइस तो अगर बॉल स्ट्रेट आ रही हो एकदम, तो गाइस अगर आपको तेज की बॉल मारनी हो फोर के लिए, तो गाइस आप स्ट्रेट ड्राइव कर सकते हो। अपना स्टांस ले लिए और स्ट्रेट स्ट्रेट में तेज की शॉट। तो गाइस अगर बॉल बहुत तेज हो तो स्ट्रेट में मारने, तो आप ऐसे बैट ऐसे आगे भी कर दोगे तब भी आपको शॉट तेज जाएगा, क्योंकि बॉल तेज आ रही है। तो गाइस अगर आप बॉल थोड़ी धीरे हो तो आप ड्राइव मार सकते हो कि आपके शॉट में पावर जनरेट हो जाए। तो गाइस ये देखो गाइस, ये होती है कवर मिडल, ये होती है स्ट्रेट ड्राइव। ये देखो गाइस, और अब मैं सिखाऊंगा ऑन ड्राइव। दो ये होती है ऑन ड्राइव। ये देखो गाइस फिर से दिखाऊंगा, जब बॉल इधर आ रही हो इधर गाइस, आपके पैर के थोड़े इधर आ रही हो, तो आप ऑन ड्राइव इस तरफ कर सकते हो गाइस। बहुत लोग ऐसे फ्लिक मार देते हैं ना गाइस, लोग फ्लिक तब मारना चाहिए जब बॉल बहुत तेज आ रही हो, क्योंकि अगर आप तेज बॉल आ रही हो तो आपके पास पैर खुलने का मौका नहीं आएगा। गाइस मैं फ्लिक भी दिखाऊंगा, फ्लिक शॉट कैसे मारते हैं। पहले हम ऑन ड्राइव दिखाता हूँ, ये गाइस इसको कहते हैं ऑन ड्राइव। तो गाइस अब हम बढ़ेंगे पुल शॉट की तरफ, पुल शॉट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, पुल शॉट ऐसे होता है, आप अपना बैट पकड़ो, अगर आपको शॉर्ट बॉल आ रही हो और बड़ी ऊपर आ रही हो, तो आप गाइस आप ऐसे ऐसे मार सकते हो गाइस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो पुल शॉट मारते हैं, अपनी ऐसे ये शोल्डर से बड़ी छोटी करके ऐसे मारते हैं गाइस, आपको पूरा ऐसे स्ट्रेच पूरा ऐसे मारोगे तो आपका शॉट अच्छा जाएगा। और विकेट पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शॉट पे ऐसे घूमना पड़ता है थोड़ा गाइस, विकेट पे ध्यान दोगे तो हेड विकेट नहीं हो पाएगी, तो गाइस विकेट पर भी ध्यान देना है। तो गाइस अब बारी है फ्लिक शॉट की। गाइस आप जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लिक शॉट क्या होता है, मैं आपको बताया था, जब बॉल तेज आती है और आपके पास ऑन ड्राइव करने का मौका नहीं होता, टाइम नहीं होता, टाइमिंग नहीं होती, तो गाइस आप फ्लिक कर सकते हो, क्योंकि फ्लिक बहुत आसान होता है। बस आपको ऐसे करना होता है लेफ्ट ही ऐसे, सर वैसे वो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं राइट हूँ। देखो गाइस इस तरह होता है फ्लिक, ऐसे फ्लिक शॉट मारते हैं। और बहुत लोग फ्लिक शॉट मारते वक्त कभी कभार ऐसे पैड पे बैट मार देते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और पैड्स और पैड्स को देखने, पैड्स को अच्छे से टाइमिंग करके देखना चाहिए, और अच्छे से शॉट को देख, शॉट को टाइम आपको ही करना है तो आपको अच्छे से करना चाहिए गाइस। ऐसे अपने शॉट लगाया, टाइम अगर शॉट के अच्छा होगा तो शॉट अच्छा जाएगा। ये देखो गाइस, गाइस देखो ये गाइस कौन बार दिखा दूँगा। तो गाइस मैं आपको सारे शॉट फिर से दिखा देता हूँ गाइस। पहले हमने कौन सा करा था, कवर ड्राइव। तो गाइस अभी बारी है कवर ड्राइव की। तो गाइस इससे कहते हैं कवर ड्राइव, और गाइस अब ये होती है स्ट्रेट ड्राइव, और गाइस ये होता है ऑन ड्राइव, और गाइस ये होता है फ्लिक शॉट, और ये होता है क्या था, ये होता है पुल शॉट। ओके गाइस इसमें आपको आर्म्स पूरी करनी चाहिए, मतलब पूरी ऐसे ऐसे पूरा अच्छे से मारनी चाहिए आर्म्स को अच्छे से करके। बहुत लोग ऐसे ऐसे मार देते हैं तो उनका शॉट अच्छा जाता है और कॉर्न और कैच आउट हो जाते हैं गाइस। अब मैं
पोस्टिंग की थोड़ी टिप्स बताता हूँ। एक राइट में है और एक मिनट राइट, मैं ज़रा बॉल ले आऊँ। गाइस ये है हमारी बॉल। तो गाइस देखो कैचेस में सीधा क्या करना होता है। गाइस अगर बॉल ऐसे 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 आ रही हो, गाइस कोई है नहीं, अगर ऊपर आ रही हो तो आपको ऐसे करना है। ऐसे गाइस देखो, ऐसे देखो, मैं थोड़ा नीचे उतरता हूँ। गाइस देखो जब भी आप कैच कर रहे हो ना, ऊपर ऊपर कैच आ रही है आपके पास, तो आपको जो नीज है थोड़ी बेंड करनी है, इससे कैच आप अच्छे से कर सकते हो। और गाइस क्योंकि चूँकि अगर आपके पास ऐसे अपना हाथ ऊपर लेके जाने, क्योंकि हमने ऐसे कैच छूट गई तो आपका सेकंड चांस जो है आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब जगल करके जैसे होता नहीं, ऐसे ऐसे कैच हो जाती है। तो गाइस अगर आप ऐसे करके ऐसे करोगे, ऐसे करके ऐसे करोगे, देखो गाइस ऐसे, तो गाइस यहाँ पे आपको दूसरा चांस मिलेगा। देखो ऐसे छूट गई तो ये दूसरा चांस है। और आपको नीज थोड़ी ऐसे बेंड करनी है, देखो मैं थोड़ा बेंड हुआ, ऐसे ऐसे थोड़ा बेंड होके करनी है। और गाइस अगर कैच कैच अगर ऐसे आ रही हो ना, ऐसे देखो ऐसे तेज़ की ऐसे हाँ, तो कैच ऐसे आ रही हो तो आपको ऐसे पकड़नी है, ऐसे गाइस ऐसे ऐसे करके। ये देखो गाइस अभी मैं आपको ऐसे वाली कैच दिखा सकता हूँ, क्योंकि ऐसे वाली मुझे कोई फेंकने के लिए चाहिए होता है। देखो ऐसे पकड़नी होती है। और गाइस अगर आपको ऐसे फ्लैट कैच आ रही है और सीधा फेस के पास आ रही है, आप ऐसे फेस साइड करके ऐसे कैच कर सकते हो। वहाँ पर ये ध्यान रखना आपका फेस पर आगे होना चाहिए, आपको बॉल भी दिखे कहाँ आ रही है। ऐसे देखो जैसे फेस पे आ रही है, ऐसे साइड होके कैच कर सकते हो। गाइस होती है कैच टिप्स। और गाइस ये ऐसे, और गाइस रनिंग रनिंग कैच में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं रनिंग में, कि ऐसे ना बॉल थोड़ी आगे होती है तो ऐसे हाथ आगे ले आते हैं और फिर उंगलियों में भी लग सकती है। तो गाइस आपको अगर आपको अगर आप कैच थोड़ी आगे, तो आपको पूरा ऐसे आगे लेके जाना है, क्या आपका ऐसे चांस है दूसरा, ऐसे आपके पास चांस। गाइस देखो जैसे हमने ऐसे कैच पकड़ी, यहाँ पे ले आओ गाइस, अगर अगर वो हाथ से जगह ना हो जाए तो गाइस ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।